Hey guys, welcome back on this PT Point of History series with me, Shreyansh Nigam. I am the Faculty for History on Ashish Malik IS Academy YouTube channel. Guys, aaj ke is Confrontation of Culture ke part number 5 mein, I will be telling you about the Spanish expansion and its key features. So, video ko pura last tak hi zarur dekhiyega, and also part number 4 mein, I told you about the Christopher Columbus and its expansion and voyage with the help of the Spain. तो वो सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई हैं, बताई हैं. आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर के एक बार उसको भी देखें, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो एज वेल. सो गाइज, सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस फोर एपिक बैचेस दैट हैव रिसेंटली स्टार्टेड ऑन 3rd of August. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2020, 2021 और 2022 एंड यू वॉन्ट टू जॉइन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, देन यू कैन यूज द कोड आशीष मलिक 10 टू गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट on your Unacademy Plus subscription fees, which I feel is very much important economically. ठीक है. So Disha 365 current affair books divided in volume 1 and volume 2, which means कि these books will give you that variety of options जो कि आपके UPSC preparation के लिए बहुत important होने वाला है guys. Guys, link description box में है, आपको कई सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, जैसे कि prelims mains के mock practice test, साथ ही आपको प्रीलिम्स स्निपेट्स देखने को मिलेगा जो कि आपको क्विक रिवीजन के लिए मदद करेगा, एंड मच मोर वैरायटीज. ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में बुक डिवाइडेड है. यू कैन परचेज इट बाय द लिंक विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक अवेलेबल है. एंड वेरी बिग अनाउंसमेंट दैट रिसेंटली अ न्यू बुक बाय आशीष मलिक सर इज़ अवेलेबल, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, आप उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं. दिस बुक इज़ अबाउट एक्चुअली द 1000 मोस्ट प्रोबेबल IAS प्रीलिम्स MCQs अलॉन्ग विथ द 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस बुक को जरूर परचेज करें. अपार्ट फ्रॉम दिस टॉकिंग अबाउट द सीरीज़, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट क्लास 11th NCERT हिस्ट्री, एंड वेरी सून अदर क्लासेस की हिस्ट्री भी हम लोग कवर कर सकते हैं. सो पूरी सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करें. अब बड़ी बात यहाँ पे आती है, आप पूरी सीरीज़ फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यू आर गेटिंग अ फ्री कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स. आपको पूरी तरीके से हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स जो भी चैनल पे हैं सो फ्री हैं, आप सारे कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं. कंप्लीट कवरेज ऑफ टाइमलाइन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूसेज ऑफ कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ऑल्सो द टॉपिक वाइज क्वेश्चन. सो ये चार चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और यही चारों चीज़ें हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्क्रिप्टिवली UPSC के लोग को लेवल माइंड में रखते हुए कवर कर रहे हैं. टेलीग्राम का चैनल अगर अभी तक कि आपने ज्वाइन नहीं किया, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो गाइस, दिस पार्ट नंबर 5 ऑफ कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर विच इज़ एक्चुअली द पार्ट नंबर 8 ऑफ क्लास 11th NCERT, आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेन एस्टैब्लिशेस एन एम्पायर इन अमेरिका मेनली एंड अदर सब टॉपिक्स ऑफ द वीडियो. सो आप प्लीज़ इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट. सो दिस इज द स्पेन दैट हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर ऑन अमेरिका. ठीक है, सो कैसा ये एम्पायर था, अमेरिका में क्यों एस्टैब्लिश हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ तो इसका रिजल्ट क्या निकला, ग्रोथ हुई या डिमोलिश हो गया, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग एनी एम्पायर, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एक्सटेंसिवली. सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए. सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स हमें हमारे सामने बुलेट पॉइंट्स आ रहा है. स्पैनिश एक्सपेंशन वॉज बेस्ड ऑन अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ विद द यूज ऑफ द गन पाउडर एंड ऑफ द हॉर्सेस. ठीक है, जस्ट लाइक अदर यूरोपियन कंट्री, स्पेन एट द टाइम वॉज ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड टू हैव एन एक्सपेंशन, हैव कॉलोनीज, ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ शो करता है कहाँ पे, सो अमेरिका में, और ऑल्सो अपना एम्पायर एक्सपैंड करता है, एम्पायर इस्टेब्लिश करता है अमेरिका में. एंड उसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मिलिट्री स्ट्रेंथ. जब ये शो करता है उस मिलिट्री स्ट्रेंथ में देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट ही यूजेस गन पाउडर एंड ऑल्सो ही यूजेस दी हॉर्सेस. सो इन दो चीज़ों की मदद से वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ शो करना चाहता है दैट हाउ मच पावरफुल, मिलिट्रली पावरफुल ही इज़. द लोकल पीपल वर कंपेल्ड आइदर टू पे ट्रिब्यूट और टू वर्क इन गोल्ड एंड सिल्वर माइंस. ये उस टाइम के लोगों की सिचुएशन थी अंडर दी स्पैनिश एक्सपेंशन, जिसमें कि या तो फिर लोगों को ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था लाइक गिफ्ट और सम सॉर्ट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था, या तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती गोल्ड और सिल्वर माइंस जो होती थी, खदानें होती थी गाइस, उनमें काम करना होता था.
द इनिशियल डिस्कवरी वॉज टिपिकली फॉलोड बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्मॉल सेटलमेंट पीपल्ड बाय अ फ्यू स्पेनियर्स हु सुपरवाइज द लेबर ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स। इसमें बेसिकली हुआ क्या, पहले तो जैसे मान लीजिए स्पेन मतलब बेसिकली वहाँ पर डिस्कवरी करी गई कि यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ स्पेनियर्स को वहाँ पर रखा गया, मतलब स्पेन वासियों को वहाँ पर रखा गया, रख के देखा गया कि यहाँ पर क्या सही में ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं और मतलब अपना रूलिंग यहाँ पर करी जा सकती है। ऑल दीज थिंग, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इंडिया में धीरे धीरे करके आई ना, ऑल एट वंस तो नहीं आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और साम्राज्य की बात करें, जैसे कोई और जो पहले राजा महाराजा अटैक करते थे, वो ऑल ऑफ अ सडन अटैक करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे है तो वो धीरे धीरे स्लो स्लो करके आई। वैसे यहाँ पे स्मॉल सेटलमेंट हुए, फिर उसमें कुछ स्पेनियर्स को रखा गया जो कि बेसिकली करते क्या थे, तो सुपरवाइज करते थे लेबर ऑफ द लोकल इनहैबिटेंट्स, जो वहाँ पे जो लोकल इंडिजिनियस पीपल होते थे उनके उनको कंट्रोल करने। सो नेक्स्ट थिंग इज़ द लोकल चीफियंस वर इनलिस्टेड टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स एंड होपफुली मोर सोर्स ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड वॉज एट दैट टाइम वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मेटल्स के कैटेगरी में गोल्ड उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो लोकल चीफियंस थे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते थे ऐसी नई नई जगहें, खदानें जहाँ से वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे एंड फर्दर वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, बिकॉज दे वर रियली वेरी मच ग्रीडी। सो द ग्रीड फॉर द गोल्ड लेड टू द वायलेंट इंसिडेंट्स प्रोवोकिंग लोकल रेजिस्टेंस। अब देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ओपियम की, सो ओपियम वॉज दैट प्रोडक्शन जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं एक कॉज होता है रिवोल्ट का, जिसमें कि लोगों को जो पीजेंट्स होते थे उनको फोर्सफुली ओपियम ग्रो करने को कहा जाता था। ये बात तो आप सबको हमको सभी को पता है ये सारी बातें। लाइकवाइज यहाँ पे जो है वो ग्रीडीनेस ऑफ द स्पेनियर्ड्स फॉर द गोल्ड लेड टू वायलेंट इंसिडेंट्स अलॉन्ग विद द प्रोवोकिंग ऑफ द लोकल रेजिस्टेंस। तो ये जो लोकल रेजिस्टेंस था, जो कि विद्रोह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बाय द लोकल्स, ये हमें ग्रीड फॉर द गोल्ड ऑफ स्पेनियर्ड्स की वजह देखने को मिलेगा। सो स्पैनिश फ्रेयर बार्टोलोम डे लास कैसेस द मोस्ट सिवियर क्रिटिक ऑफ द स्पैनिश कंकरर्स ऑब्जर्व दैट द स्पैनिश ऑफन टेस्टेड देयर स्वॉर्ड ऑन द नेकेड फ्लश ऑफ द अरावेक्स। तो ये जब यहाँ पे गए तो दे वर इंट्रोड्यूस टू द अरावेक्स, तो अरावेक्स का बेसिकली यहाँ पे कुछ जिक्र जो आया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद टू मिलिट्री रिप्रेशन एंड फोर्स लेबर वॉज एडेड द रेवेजेस ऑफ द डिजीज, द डिजीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड पर्टिकुलरली स्मॉल पॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, व्रेक्ड हैवॉक ऑन द अरावेक्स। अरावेक्स में कहीं ना कहीं ये स्मॉल पॉक्स जो है ये फैल जाता है बुरी तरीके से, एंड देन हुज लैक ऑफ इम्यूनिटी रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डेथ, और जिसकी वजह से हमें लार्ज स्केल मैसेकर और डेथ देखने को बेसिकली यहाँ पे मिलती है। जैसे कि 14th सेंचुरी की यूरोपियन क्राइसिस में हमें वहाँ पे ब्लैक डेथ देखने को मिली थी, मैंने आपको चैप्टर में कवर किया था, जो था 3rd ऑर्डर चैप्टर था थीम, उसमें कवर किया था। तो वैसे ही यहाँ पे स्मॉल पॉक्स फैल जाता है ड्यू टू सो मैनी जो वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड था और जो उसकी वजह से जो एक्सपेंशन हो रहे थे, सो ट्रैवलिंग की वजह से जो एक जगह से ट्रेडर दूसरी जगह पे जाता था तो अपने साथ साथ कई सारे डिजीजेस को भी कैरी करते थे, तो वो कहीं ना कहीं जो लो इम्यूनिटी पीपल होते थे उनमें वो चीज़ को फैला देते थे, एंड ड्यू टू इट जो लो इम्यूनिटी पीपल होते थे उनकी लार्ज स्केल पे डेथ हो जाती थी एट प्रेजेंट, जैसे कि हम कोरोना वायरस की वजह से देख सकते हैं, ठीक है। सो द लोकल पीपल इमेजिन दीज डिजीजेज वर कॉज्ड बाय इनविजिबल बुलेट्स विथ विच द स्पेनियर्स अटैक्ड देम। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करने के लिए स्पेन के जितने भी जो स्पेन था वो कहीं ना कहीं अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल कर रहा था। सो यही चीज़ें यहाँ पे हैं, जो अरावेकियंस हैं इनको ये लगा कि ये जो लोकल ये जो स्मॉल पॉक्स है ये एक्चुअली जो डिजीज़ है ये इनविंसिबल, ये कोई इनविजिबल बुलेट्स हैं जो कि ये हम लोग के ऊपर शूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हम लोग के अंदर फैली जा रही है। क्योंकि उस समय द साइंस वॉज नॉट सो मच ग्रोन कि रियल कॉज पता चल सके चीज़ों का, वट इज़ द रियल रीज़न वो पता चल सके, ऐसा तो होता नहीं था। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है दैट उनके दिमाग में एक मिसबिलीव आ जाता है दैट ड्यू टू द इनविजिबल बुलेट्स
यूज्ड बाय स्पेनियर्स इज द मेन रीजन टू फॉर द कॉज ऑफ दिस डिजीज. द एक्सटिंक्शन ऑफ द अरावेक्स इन ऑल ट्रेसेस ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ इज अ साइलेंट रिमाइंडर ऑफ ट्रेजिक इनकाउंटर विथ स्पेनियर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटिंक्शन होने लगा अरावेक्स का, एंड ऑल ट्रेसेस ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ इज अ साइलेंट रिमाइंडर ऑफ द ट्रेजिक इनकाउंटर विद द स्पेनियर्ड. तो बेसिकली जो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन हुआ अरावेक्स का, और साथ ही साथ जो उनकी जो लिविंग ट्रेसेस थे, लाइवलीहुड थी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली गई ना, तो वो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि दैट कहीं ना कहीं वो ये दर्शाती है दैट हाउ मच द इनकाउंटर वॉ विथ स्पेनियर्ड्स वर सो मच ट्रेजिक फॉर अरावेकिंस. ठीक है, सो ये अरावेकिंस के लिए कहीं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल और हानिकारक साबित होता है. Before this, the Spanish conquered lands of two great empire of the region. This was largely the work of two individuals. एक तो यहाँ पे आते हैं हर्नर कॉर्टेस, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में आते हैं यहाँ पे फ्रांसिस्को. ठीक है, एक आते हैं कॉर्टेस और दूसरे आते हैं फ्रांसिस्को पिजारो. Their explorations were financed by members of the landed gentry in Spain, officials of municipal councils and noblemen. तो इनके जो expansions होते थे, explorations होते थे, उनको जो finance किया जाता था, उन्हें जो aid provide होती थी, वो aid कौन करता था, तो जो gentry, landed gentries होते थे Spain के, ऑफिशियल्स होते थे म्यूनिसिपल काउंसिल्स के, और नोबल मैन जो होते थे वो प्रोवाइड करते थे. एंड इन रिटर्न जो हर्नर कॉर्टेस और फ्रांसिस्को हैं, ये एक्सपेंशन की पॉलिसी और एक्सपैंड करते थे द लैंड. तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो स्पेनिश लोग थे वो दो या फिर कुछ लैंड जो है वो कनकर करने में सक्सेसफुल रह सके. तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है. Those joining the expeditions supplied their own equipment in exchange for a share of the booty they expected from the conquest. ठीक, इसके बाद अगर जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कॉर्टेस एंड द एजटेक्स. तो कॉर्टेस तो यही आ गया, हर्मन कॉर्टेस और एजटेक्स आपको मैंने पार्ट नंबर 2-3 में पढ़ाया है, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं. कॉर्टेस एंड हिज सोल्जर्स कॉल्ड द कॉन्क्विस टेड्रोस कंकर्ड मैक्सिको. अब देखिए, मैक्सिको जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी उस टाइम. मैक्सिको के बारे में भी मैंने पार्ट 3 में पढ़ाया है, अब वहाँ पे भी उसमें पढ़ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं अच्छे तरीके से. सो उसको कौन यहाँ पे कब्जा कर लेता है, कॉर्टेस उसको कब्ज़ा कर लेता है स्विफ्टली एंड रथलेसली, बुरी तरीके से, मार काट जिस भी तरीके से, मतलब डू एंड डाई सिचुएशन में इसको ये कर लेता है. 1519, the Cortes set sail from the Cuba to Mexico, where he made friends with the Totonacs, a group who want to secede from Aztec rule. The Aztec king Montezuma sent an official to meet him. So, ये एक इवेंट था उस टाइम पे 1519 के टाइम पे, जिसमें कि क्यूबा से मैक्सिको कॉर्टेस जाता है, और वहाँ पे मैक्सिको में जाकर के उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है टोटोनैक्स से. किससे हो जाती है, सो टोटोनैक्स से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है. और ये टोटोनैक्स एक्चुअली में है कौन, तो ये ग्रुप है जो कि, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कौन था एस्टेक्स का रूल था, सो लेकिन इनके कंट्रोवर्सी कॉन्टेम्प्रेरी एक कौन से टोटोनैक्स थे, जिससे दोस्ती हो जाती है कॉर्टेस की. तो आप ये पूरी सिचुएशन समझिए यहाँ पे. और ये जो टोटोनैक्स थे ना, ये चाहते थे कि इनको ये जो पावर है, रूलिंग है एस्टेक्स एम्पायर की, वो किसको मिल जाए, वो टोटोनैक एम्पायर या टोटोनैक्स ग्रुप को वो रूलिंग मिल जाए. ठीक है, ही वॉज टेरिफाइड एट द एग्रेसिवनेस ऑफ द स्पैनिश, देयर गन पाउडर एंड देयर हॉर्सेस. तो बेसिकली जब इन्होंने एस्टेक किंग ने यहाँ पे अपना ऑफिशियल भेजा टू मीट विद द स्पैनिश, तो यहाँ पे स्पैनिश की गन पाउडर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और जो है जो बेसिकली कह सकते हैं रूथलेसनेस थी, उसको देख करके वो भी घबरा गया. ठीक है, Montezuma himself was convinced that the and the official that the sent by Aztec king was the name was that official was Montezuma. ठीक है, सो आप ये भी चीज़ याद रखिए, Montezuma is the name of that official. Montezuma himself was convinced that Cortes was the reincarnation of an exiled god who had returned to avenge himself. So ये क्या कहता है कि that
कॉर्टेस जो है वो एक्चुअली कौन है, वो एक तरीके से एक इनकारनेशन है किसका, वो है एक्साइल्ड गॉड का इनकारनेशन है, ठीक है, एंड वो वापस आया है एवेंज करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि कन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको के बारे में, जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया। सो कन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय कॉर्टेस, ऑयल ऑन कैनवस, स्पैनिश कन्क्वेस्ट डी मैक्सिको पॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। इसकी डेट आप देख लीजिए, 15 19 to 13 अगस्त 1521, अगेंस्ट द एजटेक्स एम्पायर, कॉर्टेस वर्सेस, मतलब ये हुआ था कॉर्टेस वर्सेस एजटेक्स, ठीक है। टाइम पीरियड वॉज 1519, ठीक है, 1519 वॉज द टाइम। एंड एट द टाइम अगर हम इंडिया की बात करें कंटेम्प्रेरी, तो इट इज़ योर टास्क, प्लीज़ आप इसका जवाब दीजिए, दैट व्हाट वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ 1519, जो कि हो रहा था इंडिया में उस समय क्या हो रहा था, ये आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर देना है। लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं। लोकेशन की बात करें तो एस्टेक एम्पायर एंड द अदर इंडिजिनस स्टेट्स दैट आर नाउ कॉल्ड एज द मैक्सिको। तो ये जो इसकी प्लेस हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट की, ये प्लेस थी मैक्सिको, और साथ ही जो अदर एस्टेक एम्पायर जहाँ जहाँ फैला हुआ था, जो बाउंड्रीज थी एस्टेक एम्पायर्स की वहाँ पे। रिजल्ट, स्पेनियार्स जो थे, स्पेन्स के जितने भी पीपल थे, एंड इंडिजिनस एलाइड विक्ट्री, इंडिजिनस विलाइड में मतलब यही आपके आ जाएंगे टोटोनैक्स, ठीक है, एंड टेरिटोरियल एनेक्सेशन ऑफ द एनेक्स एस्टेक एम्पायर, यहाँ पे एस्टेक एम्पायर्स का एनेक्सेशन हमें देखने को मिलता है, टेरेस्कैंस एंड अदर स्पेनिश एम्पायर का यहाँ पे चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा इवेंट आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मैक्सिको विक्ट्री के टाइम का सीन है, और पूरा कैसे मार काट और सब कुछ हुआ पड़ा है। दिस इज़ इन द सेंटर इज हु इट इज़ कॉर्टेस, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका पूरा नाम जो था वो था हर्नांडो कॉर्टेस। आप इसकी यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर भी देख सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो 1485 में इसका जन्म हुआ था मेडलिन स्पेन में। ये डाई हुआ था 2 दिसंबर 1547, 1519 में, एज आई टोल्ड यू, उसने मैक्सिको वॉर लड़ा एज़टेक एम्पायर्स के अगेंस्ट में, और इसकी डेथ हुई थी 1547 में। इसका फुल नेम जो था वो ये था, हर्नेन कोर्टेस डी मॉनरोय वाई पिजारो, ठीक है। तो ये इसका फुल नेम था, नोन फॉर स्पैनिश कन्क्वेस्ट ऑफ द एस्टेक एम्पायर। ये आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा, दैट इट हैज़ बीन क्लियरली मैंशन दैट कॉर्टेज इज़ नोन फॉर हिज स्पैनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एस्टेक एम्पायर्स। आफ्टर दिस डिस्कवरर्स मैक्सिको, एस्टेक्स, कैलिफोर्निया पेनिनसुला एक्सेट्रा। चिल्ड्रेन इसके कुछ बच्चे अच्छे थे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कहीं पर भी। सो ये दिस इज़ द मैक्सिको एट द टाइम, जिसको कि कैप्चर करने का काम किसने किया था, कॉर्टेस ने किया था, ठीक है। आप एक बार मैप में भी इसको कॉर्टेस को मैक्सिको को देख लीजिए, दिस इज़ द प्लेस, यूएसए, यूएसए से बाउंडेड है मैक्सिको। ये पूरा ऑरेंज कलर का जितना भी एरिया है, नीचे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। सो आप ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। एंड ऑल्सो हियर यू कैन सी द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सो बहुत इम्पोर्टेंट है। यू हियर यू कैन सी वन मोर गल्फ, सल्वाडोर है ये, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी के साथ साथ। सो आगे देखते हैं, द स्पेनियर्स प्रेस्ड अगेंस्ट दी ट्रैक्स क्लीनन्स फियर्स फाइटर्स, जो कि एक्चुअली क्या थे, सो बहुत ही फियर्स फाइटर्स थे। इसके बाद इनका जो सामना हुआ वो ट्रैक्स क्लीनन्स से हुआ, कैलन से, हु सबमिटेड ओनली आफ्टर अ स्टिफ रेजिस्टेंस, जिसमें कि युद्ध तो बड़ा भयंकर हुआ, मतलब जो फाइटिंग हुई थी ना, बता रहा हूँ मैं, वो बहुत ही टफ हुई थी, लेकिन आफ्टर दैट एंड दे वर रियली वेरी गुड वॉरियर्स एज वेल। जो ट्रैक्स क्लीनन्स कैलन्स थे, दे वर अ फियर्स फाइटर एंड अ गुड वॉरियर्स, बट आफ्टर ड्यू टू द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेनियर्स, वेयर दे वर यूजिंग दी गन पाउडर ऑल्सो सम स्पेशलाइज हॉर्सेज, तो इनको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। सबमिटेड, इन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया। द स्पेनियर्स प्रोसीडेड टू मैसेकर देम क्रूअली, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्पेनियर्स होते हैं ये पूरी तरीके से क्रूअली, बुरी तरीके से ब्रूटली इनको मार डालते हैं एक एक करके। देन दे मार्च टू टेनो टेनक टाइटलिन
विच दे रीज्ड ऑन 8 नवंबर 1519। सो 8 नवंबर 1519 वॉज द टाइम वेन दे रीज्ड टू टेनोक्टिटलान। द इन्वेडिंग स्पेनियर्स वर डम स्ट्रक एट द साइट ऑफ टेनोक्टिटलान। इट वॉज 5 times लार्जर देन मैड्रिड, जो कि कहीं ना कहीं मैड्रिड से 5 गुना था, इंटू 5 times था। यहाँ पे आप देख लीजिए ट्लैक्सकैलेंस के बारे में, ट्लैक्सकैलेंस एंड द ट्लैक्सक्लेरेट्स आर द इंडिजिनियस ग्रुप ऑफ द नाहुआ एथनिसिटी हु इनहेबिटेड द रिपब्लिक ट्लैक्सकैला एंड द प्रेजेंट डे मैक्सिकन स्टेट ऑफ ट्लैक्सकैनिया। ठीक है, द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको हैड टेकन 2 years। मैक्सिको को जीतने में कुल 2 साल लग गए। एंड कॉर्टेस बिकेम कैप्टन जनरल ऑफ न्यू स्पेन इन मैक्सिको। मैक्सिको में जो कॉर्टेस होता है वो कैप्टन जनरल बन जाता है एंड वो शावर्ड विद ऑनर्स बाय चार्ल्स 5। और चार्ल्स 5 जो है कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा चैरिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब सम्मान देते हैं, उसको कैप्टन की उपाधि दी जाती है, कैप्टन जनरल ऑफ न्यू स्पेन मैक्सिको। ठीक है, फ्रॉम मैक्सिको द स्पेनियर्स एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर गौटमाला निकारगुआ एंड दी होंडुरास। ठीक है, तो ये कुछ 3 places हैं जहाँ पे ये अपना उसके बाद फिर स्पेनियर्स और भी एक्सटेंशन शो करते हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ बी सेफ, बी एट योर होम एंड जय हिंद। और साथ ही साथ आप मेरी सभी वीडियोस को 10 AM पे देख सकते हैं, विच आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सो आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए। अगर इफ़ यू फील इट फ्रूटफुल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and subscribe it, comment it. If you have any question, आपको सबको जवाब, जो भी आपका आंसर क्वेश्चन होगा वो आपको मैं ज़रूर करूँगा। and also अगर जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन पूछा है 1519 was the time contemporary इंडिया में क्या हो रहा था, उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।